दोस्तों मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार आपका मेंटर और आज के सेशन में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे के पूरी साइटोलॉजी। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्राइमरीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स और कुछ मॉडल्स हैं जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में कैसे होते हैं उसके बारे में बात करें, राइट। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है। सो बेसिकली देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल। तो सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या, सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये है कि सेल को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक चीज़ को आउटर एनवायरमेंट से अंदर की एनवायरमेंट की ओर लाना, दिस इज हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल। एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि सेलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल में फर्क होता है। सेलेक्टिव परमिएबल लिविंग मेम्ब्रेन है जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल इज नॉट अ लिविंग मेम्ब्रेन, इट इज अ डेड मेम्ब्रेन। फॉर इंस्टेंस आप देखो आपके घर में आरओ है तो आरओ का जो मेम्ब्रेन है ना वो सेमी परमिएबल है, दैट इज अ डेड मेम्ब्रेन। तो हमारा सेलेक्टिव परमिएबल भी सेमी परमिएबल तो होता ही है, वो भी सॉल्वेंट को केवल अलाउ करता है पास करने के लिए, बट सेलेक्टिव परमिएबल इज अ लिविंग मेम्ब्रेन, राइट। और मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, ये मेम्ब्रेन जो है वो हमारा ये रेगुलेट करता है कि कौन सा सब्सटेंसेस हमारे सेल के अंदर आएगा कौन सा बाहर जाएगा, राइट। तो वो सेल के इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करने में मदद करता है, राइट। चलो बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखो प्राइमरीली हम क्या देखते हैं ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में हम लोग चार कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट। ये चार चीज प्राइमरीली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, बायलेयर होता है, और फॉस्फोलिपिड के ऊपर में प्रोटीन होते हैं, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट है जो कि लिपिड लेयर के पास में होता है और ये एक तरह से मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। और जहां तक कार्बोहाइड्रेट का सवाल है तो ये दो फॉर्म में होता है, एक हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो प्राइमरीली एक रिसेप्टर्स की तरह काम करता है। अभी आगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम लोग देखते हैं, राइट। तो देखो जब हम लोग कंपोनेंट जान गए तो अगला काम हमारा क्या है, अगला काम है कि सारे कंपोनेंट मेम्ब्रेन में कैसे अरेंज होते हैं। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत सारे इसके लिए मॉडल दिए गए, राइट। तो कुछ क्लासिकल मॉडल्स हैं और जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है उसको हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, जो कि सिंगर एंड निकोलसन साहब ने दिया था। तो थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा क्लासिकल मॉडल्स के बारे में कहते हैं। तो एक जो मॉडल जो ठीक ठाक जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने की कोशिश की थी वो पहला मॉडल कौन सा था, जिसको हम लोग कहते हैं गॉटर-ग्रेंडल मॉडल। तो गॉटर-ग्रेंडल मॉडल क्या बोलता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो केवल लिपिड बाइलेयर का बना होता है। अब इसी बात को डैनिली एंड डैफसन साहब ने 1935 में एक्सटेंड किया और वो क्या था, उन्होंने सैंडविच मॉडल दिया। तो सैंडविच मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या था कि लिपिड है वो बाइलेयर है, उसके दोनों तरफ प्रोटीन होते हैं, राइट। और इसी बात को फिर रॉबर्टसन साहब ने आगे इसको बढ़ाया, उन्होंने कहा चलो बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होता है, बट उन्होंने एक बात ऐड की जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी बायोलॉजिकल लेयर है ना, जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, वे सभी के अंदर यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है, डेट इज ट्राइलैमिनर, राइट। हालांकि इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया चूंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायनामिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो फिर से बोलूं जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो कौन सा है, वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, राइट। चलिए थोड़ी बहुत इस पुराने मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो देखो जैसा मैंने बोला डैनिली एंड डैफसन साहब ने सैंडविच मॉडल दिया था। तो सैंडविच मॉडल क्या था, आउटर प्रोटीन, बीच में लिपिड लेयर, इनर प्रोटीन, राइट, यही सैंडविच मॉडल था। लेकिन इस मॉडल को इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि मॉडल बहुत रिजिड था और इसकी रिजिडिटी प्लांट की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, इसलिए इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। और जैसा मैंने आपको बाद में बोला इसी चीज़ को रॉबर्टसन साहब ने आगे बढ़ाया। रॉबर्टसन साहब का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने एक यूनिट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये यूनिट मेम्ब्रेन क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन ये कहता है कि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है अक्रॉस ऑल लिविंग बींग्स सभी के अंदर यही ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखो ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट तो गलत था, राइट। लेकिन यदि हम लोग इस यूनिट मेम्ब्रेन को कॉन्सेप्ट को सिंगर निकोलसन साहब के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़े तो ये सही बैठता है, यानी जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ना वो एक बेसिक सेम बेसिक नेचर को शेयर करते हैं, ये बात तो पक्की, राइट। तो
रॉबर्टसन साहब के मॉडल का इतना ही सिग्निफिकेंस था, राइट। चलो बात करते हैं हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यानी जो सिंगर एंड निकोलसन साहब ने किया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, क्वासी मतलब सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर। तो जब हम कहते हैं फ्लूइड, इसका मतलब क्या है, फ्लूइड का मतलब क्या है, वो रिजिड नहीं होगा, है ना। तो जब रिजिड नहीं होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, वो उसके एक डायनेमिक नेचर या सेलेक्टिव परमिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल का डायग्राम है जिसमें आप आसानी से देख सकते हो डिफरेंट कंपोनेंट, जो कि चार कंपोनेंट हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई किया था, क्या, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, देन प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट एंड देन कोलेस्ट्रॉल। सो ऑल दीज फोर थिंग्स आप यहां पे देख सकते हो, राइट। चलिए तो वन बाय वन ये सारे कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉस्फोलिपिड बायलेयर के बारे में बात करते हैं। तो देखो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है ना, इसके दो पार्ट हैं, एक पोलर नॉन पोलर। तो जो प्रोटीन की तरफ होते हैं ना वो पोलर एंड होता है, और सेंट्रली प्लेस जो है ना वो क्या है, वो नॉन पोलर एंड है, राइट। और लिपिड के ऊपर और अंदर की तरफ हम क्या देते हैं, प्रोटीन्स होता है। अब देखो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक हम लोग बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन, दूसरा हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटेग्रल प्रोटीन क्या है, इंटेग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि स्ट्रांगली बाउंडेड होता है, इसको आसानी से मेम्ब्रेन से नहीं निकाला जा सकता है। पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, वो सुपरफिशियली अरेंज होता है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है, राइट। आप ये डायग्राम में देखो बहुत क्लियर आपको नजर आ रहा होगा, दे इंटेग्रल प्रोटीन है, दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन है, राइट। अब ये देखो यदि हम लोग इसके दूसरे कंपोनेंट यानी कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें, तो देखो कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड लेयर में होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ना। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, ये बाइलेयर को स्टेबलाइज करता है और मेम्ब्रेन के फ्लूडिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड फाइनली कार्बोहाइड्रेट, पहले भी बोला कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन से जुड़ा होगा या लिपिड से जुड़ा होगा। जब प्रोटीन से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, लिपिड से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग ग्लाइको लिपिड बोलेंगे, और एक तरह से रिसेप्टर्स के रूप में काम करता है, राइट। सो किसी भी सिग्नल को रिसीव करने के लिए या प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एक रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। सो दैट इज द थिंग्स जो कि किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में होता है, ओके। चलिए बात करते हैं कि ये मेम्ब्रेन जो है उसकी फ्लूडिडिटी को क्या कंट्रीब्यूट करता है, या वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल कैसे, या फ्लूइड वो कैसे। तो इसके लिए हमें लिपिड बायलेयर को समझना पड़ेगा। तो देखो ये जो लिपिड बायलेयर है ना उसके अंदर में लैटरल मूवमेंट्स होता है। दो तरह के लैटरल मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया, राइट। अब ये पहला मूवमेंट देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब ऊपर की देखो जो लिपिड है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ये मूवमेंट स्लो होता है, राइट। और एक दूसरा मूवमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डिफ्यूजन। तो आप देखो एक ही लेयर में आप क्या देखोगे कि एक लिपिड जो है वो मूव करके दूसरे लिपिड की तरफ जा सकता है उसी लेयर में, और ये मूवमेंट बड़ा फास्ट होता है। तो जो लैटरल मूवमेंट है ना ये किसी भी मेम्ब्रेन को फ्लूडिटी देता है, या किसी भी मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो सिंगर निकोलसन साहब ने एक्सप्लेन किया था। अगेन कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, तो कोलेस्ट्रॉल भी मेम्ब्रेन के फ्लूडिटी में कंट्रीब्यूट करता है, और ये मेम्ब्रेन को इस बात के लिए प्रिवेंट करता है कि ये बहुत रिजिड नहीं हो जाए या बहुत फ्लूइड नहीं हो। कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखो यदि हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के मेम्ब्रेन में फर्क करना चाहें, एक ही फर्क है, प्रोकैरियोट के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट के मेम्ब्रेन में ऑलवेज हम लोग क्या देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। सो दिस इज हाउ हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफरेंशिएट करते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी, यू नो वेरी वेल द मेम्ब्रेन जो है ना अपना शेप चेंज कर सकता है, और याद करो पिनोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में पूरा का पूरा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ चला आता है, राइट। तो ये मेम्ब्रेन जब अंदर आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये पूरा फ्लेक्सिबल है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी को कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, ये दोनों, लैटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एज वेल एज द कोलेस्ट्रॉल, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा बहुत फ्लेक्सिबल है। Now, what is mosaic? Mosaic nature का मतलब क्या है? तो देखो mosaic का मतलब क्या होता है, रैंडम मूवमेंट।
तो मोजाइक नेचर का मतलब यह है कि जो लिपिड बायलेयर है ना, उसमें प्रोटीन जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका कोई पैटर्न नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग मोजाइक कहते हैं। और ये मोजाइक ही के कारण ये हमारा डायनेमिक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन है, क्योंकि देखो प्रोटीन फिक्स नहीं है। तो यदि किसी मेम्ब्रेन को कोई मेम्ब्रेन यदि किसी मॉलिक्यूल को रास्ता देना चाहता है तो प्रोटीन कैन मूव, दे कैन गो फॉर द लैटरल शिफ्ट। तो उससे क्या होता है, वो सब्सटेंसेस जो है दे कैन मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये मोजाइक नेचर। अगेन आप ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम जो है दिस द सेम डायग्राम जो पहले आपने देखा था, ये टिपिकल डायग्राम फ्लूइड मोजाइक मॉडल का है। और फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो चार कंपोनेंट, दैट इज लिपिड बायलेयर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। ये चारों मिलके इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये पूरे के पूरे मेम्ब्रेन को ये सेलेक्टिव परमेबल या फ्लूडिटी इसको देते हैं, राइट। सो दैट इज अबाउट द मोजाइक नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन? देखो सबसे बड़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है ये सेलेक्टिव परमेबल। तो सेलेक्टिव परमेबल का मतलब क्या, ये केवल हम सॉल्वेंट को पास करने था, बट एट द सेम टाइम सेल को किसी भी कंपोनेंट की जरूरत होती है तो सेलेक्टिवली उसको बाहर से अंदर की तरफ ले आता है, और लाने के बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिव हो सकता है, बट ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द परमेबिलिटी। देन देयर इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है, और खासकर ये हम लोग हार्मोनल एक्शन में देखते हैं। देखो हार्मोन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हम लोग कहते हैं प्रोटीनिशियस हार्मोन, दूसरा हम लोग कहते हैं लिपिड हार्मोन, राइट। तो प्रोटीनिशियस हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन पे रहते हैं, राइट। तो जब प्रोटीनिशियस हार्मोन जब रिसेप्टर से मेम्ब्रेन पे बाइंड करते हैं तो सिग्नल इंड्यूस करता है, वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, साइक्लिक एएमपी बनता है और फिर सेकेंडरी मैसेंजर्स बनते हैं, राइट। तो ये वो सिग्नल ट्रांसडक्शन, ओके। तीसरा फंक्शन क्या है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। एक सेल दूसरे सेल को उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं उसके आधार पर रिकॉग्नाइज करता है, और इसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस हम लोग इम्यून सिस्टम में देखते हैं। एंड फाइनली ये इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सेपरेटली, राइट। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट व्हाट वी कॉल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, राइट। सो मेम्ब्रेन के अंदर में चैनल्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बाहर के मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ लाते हैं, और यही इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स में भी मदद करता है। रिसेप्टर प्रोटीन्स, अभी हम लोगों ने बात की थी सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के द्वारा इंड्यूज होता है। सो दैट इज द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन व्हाट वी सी। देन एंजाइमेटिक प्रोटीन, बहुत सारा मेम्ब्रेन जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एंजाइम्स को इनिशिएट करता है। एंड फाइनली देयर इज गोइंग टू हैव अ एंकर प्रोटीन, राइट। तो एंकर प्रोटीन का काम क्या होता है, दैट स्टेबलाइजेस द मेम्ब्रेन, किस तरह से वो एक साइटोस्केलेटन या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच होकर पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। सो हैव अ लुक एट दिस डायग्राम, यू कैन क्लियरली सी दैट पहला हमारा क्या देख रहे हो, ट्रांसपोर्ट है जो कि एक तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को मदद करता है। देन रिसेप्टर्स है, ये प्रोटीनिशियस रिसेप्टर्स आप देख सकते हो। देन वी हैव एंजाइम्स, राइट, एंड देन वी हैव एंकर। सो दीज आर द इंटायर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मुझे आपसे इतना ही डिस्कस करना था। अगले सेशंस में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कितने तरह का ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में बात करेंगे, राइट। आप मुझे फिर से ज्वाइन कीजिए नीट बाइट के एक और सेशन। ओके, थैंक यू।